लगातार बारिश, टूटा 10 साल से बन रहा पुल और कमला का उफान, मिथिला में छाया खौफ। लगातार हो रही बारिश के बीच कमला नदी वार्निंग लेवल को पार करते हुए मिथिला के लोगों में काफ़ी डर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला देखो। हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। आपको बता दें, नेपाल और भारत में लगातार हो रही बारिश के बीच कमला नदी के ऊपर बन रहा 10 साल से भारत और नेपाल को जोड़ने वाला पुल, जो कि ध्वस्त हो चुका है, एकमात्र पुल था जो कम समय में इंडिया को नेपाल से जोड़ता था। आपको बता दें, झंझारपुर में कमला नदी का पानी का लेवल खतरे के निशान से 1.7 मीटर ऊपर आ गया है, जो कि 50 मीटर तक रहना चाहिए, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण कमला नदी का पानी लेवल 51.7 मीटर हो चुका है, जिस वजह से वहां के आसपास के गांव के लोगों में खौफ का मंजर बना हुआ है। बता दें, 19 के बाढ़ में उन लोगों का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। काफ़ी गांव बाढ़ की वजह से बहते नज़र आए हैं। और बता दें कि जस्ट इसके पीछे एक शहर है, पता नहीं वो कब तक इस पानी के बहाव को बर्दाश्त कर सकता है। और पानी का जल स्तर लेवल लगातार बढ़ता देखा जा रहा है। और इसके साथ आपको जयनगर का कमला नदी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां कल के अपेक्षा पानी का लेवल थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन अगर बरसात लगातार होती है तो ये जल स्तर में भी बढ़ाव देखने को मिलेगा। और यहाँ के काफ़ी गांव के अंदर भी पानी घुस गया है, और जिस वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और पानी का लगातार बढ़ने से नदी में कटाव भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला देखो। हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।